सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ 5 बजे, इसलिए क्योंकि जिस टाइम पे मैं व्लॉगिंग छोड़ी थी ना, मैंने कुछ टाइम पे मतलब 34 दिन तब मैंने छोड़ी थी व्लॉगिंग, तो उस टाइम पे हमने ली थी एक कार, तो वो कार मैं आपको आगे दिखा दूंगा। आपने टाइटन में वैसे भी देख ली होगी, थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो वो कार उस टाइम पे ली थी, वो पापा ने ली थी, पापा की चॉइस थी, वो मजबूरी में लेनी पड़ी, वो मैं आपको आगे बताऊँगा कार में बैठ के। चलो अभी फिर से चलते हैं, थोड़ा मतलब आपको दिखा देता हूँ कार कौन सी है, क्या है, क्या है, कैसा कैसा क्या है ना, सारी चीज़ें। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं अपनी अलाया में, भाई और मैं जाएंगे, थोड़ी टेस्ट ड्राइव टाइप की लेंगे। हाँ चलो, तो थोड़ी टेस्ट ड्राइव टाइप की लेंगे उसकी, और ठीक है यार, मिलते हैं अब आगे। चलो यार, भाई ये भी अच्छी लगती है यार, कितनी मस्त सी नहीं लगती है एंकर। हाँ यार, गंदी बहुत जल्दी हो जाती है, अच्छी पुरानी गाड़ी हो गई है, नहीं लेते अब। तो भाई इसमें थोड़ी सी मतलब रैप वगैरह मैं लगवाऊँगा, मतलब ज़्यादा नहीं करूँगा, जैसे ओवर नहीं करते थे बहुत ही ज़्यादा फेंकर पूरी रैप वैप करके, मतलब स्टिकर लगा देते, वैसा नहीं करूँगा, थोड़ा बहुत करूँगा पर प्रीमियम करूँगा, बहुत अच्छा करूँगा, जो मेरे को पसंद है, जो पहले से पसंद है। ओ इससे मत पूछ भाई यार, रैप से अच्छा ना वो कोटिंग करा। कौन सी कोटिंग? एक होती है कोटिंग होती है इसके ऊपर, वो ट्रांसपेरेंट होती है, तो उससे क्या नहीं है? रैप से थोड़ा अच्छा लगेगा ना ये, जो भी है शाइनी हो जाएगा। मैं भी नहीं बताऊंगा। मैं बताने वाला था अभी क्या करने वाला हूँ मैं। तो मैं आपको जब करूंगा ना तब उसमें व्लॉग बनाऊंगा, बहुत ही सही बना दूंगा, देखना मस्त, ज़्यादा नहीं करूंगा पर थोड़ा बहुत करूंगा, वो आपको अच्छा लगेगा उसमें। तो चलो 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 भाई चलो। चलो भाई चलते हैं। गाइस फाइनली आ गए हैं हम अपनी गाड़ी में जिसकी मैं बात कर रहा था। तो अंदर से तो देख के आपको पता चल गया होगा कौन सी है करके, ये है स्कॉर्पियो S11 एडिशन। तो ये अभी लेटेस्ट ही हुआ है, मतलब 2021 का लेटेस्ट मॉडल है, 2022 में तो नया आने वाला है। तो क्या हुआ कि हम ले नहीं पाए, बहुत देर की बुकिंग थी, थार की हमने बुकिंग करी थी और XUV700 की करी थी, तो मिल नहीं पा रही थी हमें, तो हमने सोचा कि यही ले लिया जाए, क्योंकि बुकिंग के पैसे तो दे रखे थे, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसीलिए हमने स्कॉर्पियो ले ली 2021 एडिशन। ये मतलब पावरफुल है, काफ़ी अच्छी है, मस्त है चलाने में, ब्लैक कलर लिया है जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है। अब इसकी वीडियो में आपको बता मतलब अभी दिखा दूंगा, अच्छे से बता दूंगा, वॉक अराउंड वगैरह पूरा दे दूंगा, पहले अभी हम जा रहे हैं कहीं पर जहाँ पे अच्छा सा व्यू आ जाए मस्त, और ये अच्छी लगे थोड़ी सी, तो चलो चलते हैं। तो गाइस अभी हम आ गए हैं ऑफ रोडिंग करने के लिए, और इसको पता है कहीं भी डाल दो, ये थार की जैसी है एकदम, कहीं भी डाल दो। थार से पहले मतलब लोग ना बहुत प्रेफर करते थे स्कॉर्पियो लेने का, तो स्कॉर्पियो फेमस ही इसलिए हुई क्योंकि इसको कहीं भी डाल देते थे, और 4x4 वाली जगह में भी डाल देते, इसको 4x4 की जरूरत ही नहीं है, तेल दो इसे 2x2 में भी कहीं भी, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत है इसमें। हाँ ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है, कहीं भी डालो मस्त है। तो गाइस ऐसी दिखती है बाहर से स्कॉर्पियो S11 एडिशन, बहुत ही सही दिख रही है, मज़ा आ रहा है। ब्लैक कलर हमने लिया है क्योंकि ब्लैक कलर आजकल ट्रेंड में चल रहा है, सभी ब्लैक ब्लैक ले रहे हैं, और ब्लैक कलर में ना ऐसे टशन टाइप का थोड़ा फील आता है, तो इसलिए ब्लैक लिया है। वाइट तो कलर नॉर्मल हो गया स्कॉर्पियो में, तो इसलिए ब्लैक, और इसकी रात को ना मस्त सी लाइटिंग वाइटिंग जलती है, मज़ा आ जाता है इसको देख के। तो अभी मैं दे देता हूँ थोड़ा सा वॉक अराउंड, थोड़ी गंदी हो रही है क्योंकि ऐसी हम देखो, आप एरिया देखो किस एरिया में आए हो, पूरा जंगल वाला एरिया है, पूरा मतलब भयंकर एरिया है। इधर किसी को प्लॉट चाहिए होगी तो बता देना, गोडाउन वाली जगह है ये, अपनी जगह है, तो यहाँ किसी को प्लॉट चाहिए होगी बता देना, कॉन्टेक्ट नहीं ठीक है। तो वॉक अराउंड क्या ही दिखाऊं यार, गंदी सी हो रखी है, कभी और दिन गंदी होती है क्योंकि ब्लैक कलर है, लेकिन ब्लैक कलर है ना, ब्लैक कलर थोड़ा सा गंदा जैसा दिख जाता है, थोड़ा सा वो होता ही है यार, नॉर्मल है, मेरी बाइक भी इतनी जल्दी गंदी हो जाती है, कुछ भी करो उसमें मतलब थोड़ा सा भी चलाओ ना बाहर निकालो, धूल वूल बैठ जाती है। और स्पेशियस तो भाई ये है ही पहले से, और थोड़ी ना ये रॉ टाइप की है, इसमें इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं है, जो स्कॉर्पियो और थार बना रखी है ना, थार में फिर भी थोड़े से फीचर्स है एक्स्ट्रा, पर इसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं है क्योंकि ये रॉ सी बना रखी है, और ये टशन के लिए कहीं भी पेल दो वाली है ये, इसको कहीं भी पेल दो कोई फर्क नहीं पड़ता इसे, पापा लोगों के लिए। हाँ ये मतलब बेसिकली पापा ने अपने लिए ली है, ये पापा की गाड़ी है मेरी नहीं है, तो पापा को मतलब
अच्छी लगती थी ये, इसलिए पापा ने अपने लिए ली है। और बहुत टाइम से पापा को मतलब शौक टाइप का था, पहले हम लोग हैरियर या फिर सफारी में जा रहे थे और SUV XUV 700 या थार इन सब में जा रहे थे, पर इनकी बहुत ही ज़्यादा वेटिंग थी इसलिए हम गए नहीं। तो स्कॉर्पियो मिल रही थी हाथों हाथ, ले ली, मस्त हो गया। और मेन बात यह है कि पापा को चाहिए थी डीजल मैनुअल, ऑटोमेटिक तो मिल जा रही थी, ईजिली मिल जा रही थी सारी, पर डीजल मैनुअल मिलना बहुत मुश्किल होती है क्योंकि सबसे ज़्यादा बुकिंग इसी की होती है डीजल मैनुअल की। तो मैं आपको स्पेस दिखा देता हूँ, स्पेस बहुत ज़्यादा है, ये देखो पीछे खुला खुला मस्त, आगे मस्त है AC, और ये ऑन होते टाइम ना इतनी मस्त आवाज़ करती है ना, वो मैं आपको अभी अंदर जाके दिखाऊंगा। बाकी तो क्या ही है, बाकी आजकल ऐसे ब्लॉग हो जा रहे हैं ना मेरे, मतलब कल मैंने बाइक दिखा दी, आज कार दिखा दी, तो मतलब अलग ही चल रहा है, कार बाइक वाला ब्लॉग बन रहे मेरे अलग ही। तो आप वॉक अराउंड देखो, मस्त है, मज़ा आ गया, और थोड़ी ऊंची ऊंची है, बहुत अच्छी फील आता है यार इसमें। ये देखो स्कॉर्पियो S11 एडिशन है, जो मतलब टॉप मोस्ट मॉडल है। यही लेने में ना प्रॉब्लम आती है क्योंकि टॉप मोस्ट मॉडल बहुत ईजी इतने ईजीली नहीं मिल पाती है, तो इसलिए इसमें भी एक महीने की वेटिंग थी पर मिल गई, वो किसी ने रिजेक्ट करी थी तो ये मिल गई हमें उनके बदले, तो बढ़िया हो गया हमारा। तो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको अंदर से आगे से कैसे दिखती है, ऐसी कुछ दिखती है अंदर से, ठीक है। और जब इसको ऑन करो ना, मस्त देखना एक आवाज़ आएगी प्यारी सी, भाई आग मेरी, ये मस्त मजा आ गया। तो गाइस अब चला रहा है भाई मेरा, इसको पहली बार चला रहा है वैसे तो, इसको मतलब उतने अच्छे से गाड़ी चलानी आती है, पर देखते हैं कैसी चलाता है। और इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है ना, गियरिंग सिस्टम थोड़ा अलग है, जैसे हाथटा इसमें देखो रिवर्स फर्स्ट गियर ये है, रिवर्स इसके आगे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, देखते हैं चला पाता है नहीं चला, चला तो लेगा यार, गाड़ी चलाने वाले कोई भी चला लेते। ये आपको घुमा के लाता हूँ थोड़ा सा आगे तक। ये जो एरिया है ना, इसे कहते हैं गोदाम सिटी, ये हमने ही नाम रखा है। तो बहुत सारी प्लॉटें यहाँ पे बिक चुकी है, ये मोस्टली मतलब मेनली यहाँ पे गोडाउन के लिए ही है पूरा, तो इसलिए बड़ी बड़ी जगह देख रहे हो अब, ये सब गोडाउन के लिए है। और रोड देखो कितनी बड़ी है, ये रोड इसलिए इतनी बड़ी है क्योंकि यहाँ पे ट्रक वगैरह चलेंगे ना इसलिए। और ये जंगलों के साइड में जस्ट मेन रोड के बगल में, और बेल बाबा मंदिर है उसके जस्ट पीछे, तो अगर किसी को गोडाउन के लिए जगह चाहिए होगी कमेंट डाउन किसी को अगर गाड़ी वाड़ी भी सीखनी है तो उसके लिए, किसी को गाड़ी सीखनी है ना इधर गोडाउन सिटी में आ जाओ, इधर मस्त सीखो, बहुत जगह है इधर, बहुत ज्यादा जगह है, कोई नहीं आएगा बीच में ना, टकराने की जगह है कुछ। और DPS स्कूल भी यहीं पर है, DPS स्कूल के जस्ट बगल में ही है, स्टोन के सर है DPS यहीं पर ही है बगल में, मस्त। तो अब चलते हैं घर की ओर, और इको स्पोर्ट लेके आते, इको स्पोर्ट धुलवानी भी है उसको, इको स्पोर्ट को धुलवाते फिर उसके बाद इको स्पोर्ट ले जाएगा भाई, इसको देहरादून जाना है। तो मेरी मिनी कूपर आ चुकी है घर जो पहले इसके पास थी, तो मैं आप मिनी कूपर चलाते हुए दिखाई दूंगा आपको, और ये ले जा रहा है इको स्पोर्ट कभी तो गाइस इको स्पोर्ट अभी ले जा रहा है भाई, क्योंकि इसको करवानी है सफाई वफाई, थोड़ी सी गंदी सी हो रही है, देखो बहुत ही गंदी हो रही है, इसको ये ले जाएगा, कल देहरादून जा रहा है ना तू वापस, हाँ तो ये देहरादून जा रहा है, हम जाते हैं बाइक में, मैंने पहन लिया हेलमेट, अजीब सा हेलमेट चलो। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं घर गाड़ी लेके, अब इसको धोते हैं, बहुत ही गंदी हो रही है यार लिटरली, अरे पानी को पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हो गया इसे भाई, बीमार हो गया, पानी नहलाते हैं बाइक को भी, नहलाते हैं बाइक को भी, बाइक को भी आज ही करते हैं, आज सबको नहला दूंगा, ऐसे ऐसे झाप कर दूंगा बिकिनी पहन के, पहले अपनी गाड़ी धोएंगे फिर इसको देंगे, ये नकली आ रहे हैं, देख खाली अच्छी मारा साफ हो गई, हाँ हाँ ये बहुत ही शाइन मार जाती है क्योंकि ब्लैक कलर है ना, सिर्फ धूल ही तो बैठी, गंदगी थोड़ना होती है उसमें, गंदगी नहीं है, धूल साफ हो गई, 500 रुपये दो 500 रुपये में साफ हो गई आपकी गाड़ी, 150 में होती है हर जगह,
नहीं मैं 500 लूंगा ना, मेरे सब्सक्राइबर है ज्यादा तो मैं 500 रुपए लूंगा। 150 रुपए में होती है, पॉलिश भी होती है और ये भी होती है। नहीं मेरे 500 सब्सक्राइबर तो मैं 500 लूंगा, और अंदर बाहर का 300 रुपए में होता है। तो पहले यही काम करता था क्या? फोमिंग वाला अलग होता है, नॉर्मल वॉश अलग रहता है। नहीं मैं बस इतने में इतना ही सोता है। फोम लगा दूं सर, फोम इसमें डाल देता हूँ। इसको नहीं दो, उसे मजा आ रहा है। मैं तेरा फोन ऐसा कर दूंगा। कर दे? नहीं नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ भाई, मैं भी तो भिगूंगा फालतू। हो गया। तो गाइस इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा गुड बाय।